मुंबई, जहां देखो वहां आसमान को छूती बिल्डिंग्स खड़ी हैं, जिनमें से कई तो ऐसी हैं जो आधी ही बन पाई हैं। ये बिल्डिंग्स बहुत वीरान पड़ी हैं, और कहते हैं कि ऐसी ही वीरान जगहों पर भूत प्रेत अपना अड्डा बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं दीपिकास फियर बॉक्स। और आज की कहानी है मीना की कहानी, जो अपने पति के साथ मुंबई में रहा करती थी। उसका टूरिंग जॉब होने के कारण वो महीने के 15 दिन घर से बाहर ही रहता था और दखियन उसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मीना सारा दिन या तो कोई किताब पढ़ती रहती या फिर टीवी देखती रहती थी। उसे भूत प्रेत और रहस्य की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। बस वो इसी टाइप का कुछ पढ़ती या देखती रहती थी। एक दिन उसने गौर से सामने बनी उस अधूरी बिल्डिंग को देखा तो उसे एक फ्लैट में कुछ हलचल सी महसूस हुई। वो घर उसके फ्लैट के एकदम सामने ही था तो उसे अंदर का साफ साफ दिखाई देता था। उसे लगा वहां पर कुछ चुराने लायक तो है ही नहीं, तो चोर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर उसने सोचा कि शायद कुछ गलत काम हो रहा होगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई। उस दिन उसका पति जय मुंबई से बाहर था तो वो घर में अकेली थी। रात में जब सोने की तैयारी कर रही थी तो उसे याद आया कि उसने बालकनी का दरवाजा बंद नहीं किया। वो उसे बंद करने के लिए गई तो उसने देखा कि सामने वाले घर में लाइट जल रही थी और कुछ महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी जो हद से ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो उन महिलाओं को देख रही थी कि तभी पीछे से उसे एक बुढ़िया की डरावनी और गुस्से से भरी आवाज आई। क्या ताक झांक कर रही हो हमारे घर में, हाँ? वो बेख्याली में एकदम से बोलते हुए पलटी, नहीं वो तो मैं। फिर तुरंत ही सोचा कि ये किसकी आवाज थी, पर वहां कोई नहीं था। उसने मुड़कर फिर से उस घर में देखा तो खिड़की में एक बेहद डरावनी बुढ़िया खड़ी थी जो मीना को गुस्से से देख रही थी। ये वही बुढ़िया थी जिसकी आवाज उसने अभी सुनी थी। मीना ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन जब जय आया तो उसने सारी बात उसे बताई। उसने ध्यान देने के बजाय मीना को ही डांट दिया और भूत प्रेत की कहानियों से दूर रहने को कहा। तभी उसे सोफे पर बैठी वही डरावनी बुढ़िया दिखाई दी जो उसे देखकर हंस रही थी और कह रही थी, कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। रात को फिर वही नजारा। वो उस घर को देख ही रही थी कि तभी एक महिला उसके एकदम पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने मीना को आवाज दी। जब मीना ने पलट कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वो महिला इतनी ज्यादा डरावनी थी कि बस लाल आंखों में मानो खून उतर आया हो। उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा था जो उसे और भी डरावना बना रहा था। तभी दूसरे पल वो महिला मीना के पैरों के पास बैठकर रोने लगी। मीना बेहद डरी हुई ये नजारा देख रही थी और डर के मारे उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो महिला लगातार रो रही थी और कहे जा रही थी, मार डाला उसने मुझे, तुम बच सको तो बचो वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी, तुम चली जाओ यहाँ से। और थोड़ी देर रोने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। उसका रोना जितना भयानक था उससे ही ज्यादा खतरनाक उसकी हंसी थी। अगले ही पल वो डरावनी बुढ़िया भी वहां आ गई और उस महिला के बाल को पकड़कर खींचने लगी। साथ ही दोनों बेहद और गंदी कर्कश आवाजें निकाल रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो दोनों ही महिलाएं गायब हो गई। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। उसकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। अब तो ये आम बात हो गई थी। घर में उसे बुरे बुरे अनुभव होने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो घर में उन दोनों के अलावा और भी कोई रहता है। कभी ऐसा लगता मानो कोई कमरे के कोने में बैठा रो रहा हो, तो कभी आईने में डरावनी परछाई देखती, कभी जगह जगह फैला हुआ खून दिखाई देता, तो कभी रोने की तो कभी हंसने की आवाजें आती।
उस डरावनी बुढ़िया और उन औरतों ने सामने वाले घर को छोड़कर इसी मीना के घर में अपना डेरा जमा लिया था। मीना बहुत परेशान हो गई थी, अब वो लगभग पागल सी हो गई थी। तभी एक दिन ऐसे ही जब वो कुछ सोचती हुई बैठी थी, तभी उस बुढ़िया ने उसका नाम लेकर उसे आवाज दी। मीना, तुम छुटकारा चाहती हो ना हमसे, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। मुझे मुक्त करके ही तुम और ये सब बाकी औरतें आजादी पा सकती हो। तुम्हें एक काम करना है, आने वाली अमावस्या को एक तेज धार वाला चाकू, कुछ दिए, कुमकुम और नींबू ले आना। हम सब तुझे मुक्त कर देंगे। मीना पागलों सी उस बुढ़िया पर विश्वास करके सारा सामान ले आई। अघोरी का काम करवा कर अचानक बुढ़िया ने मीना को चाकू उठाने को कहा और खुद मीना के शरीर को आगे से कवर करके खड़ी हो गई। अब उसने मीना को चाकू से एक तेज वार करने को कहा ताकि बुढ़िया को चाकू लगे और वो मुक्त हो जाए। मीना पहले तो हिचकिचाई, पर वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसने आओ देखा न ताओ और एक जोरदार वार कर दिया। पर ऐन वक्त पर बुढ़िया सामने से हट गई और चाकू सीधा मीना के पेट में घुस गया और उसने वहीं प्राण त्याग दिए। अब पूरा घर बुढ़िया की डरावनी हंसी से गूंज रहा था। तभी वो दूसरी महिला वहां आई और मीना के मृत शरीर को देखकर कहने लगी, मैंने कहा था ना यहाँ से चली जाओ, यहाँ से हम सभी को इस बुढ़िया ने अपना गुलाम बना कर रखा है, अब से तुम भी हमारे ही साथ रहोगी। और वो बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी। कुछ ही देर में वो घर हंसने और रोने की आवाजों से गूंज उठा, जिसमें एक आवाज मीना की भी थी।